आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि सूत्र निकिलम विधि द्वारा किस प्रकार गुणा किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि सूत्र निकिलम विधि द्वारा गुणा किस प्रकार करते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर एक हमारा ये है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर एक है। 104 को गुणा करना है 108 से। चलिए शुरू करते हैं, हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से, 104 इंटू 108। क्या करना है स्टूडेंट, इसको गुणा करना है। अब सबसे पहले इसके अंदर अपनों को क्या देखना है कि आधार को देखना है कि आधार किस तरह से हम ले सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि संख्याएं जो हमें दे रखी है वो किसके ज़्यादा करीब है, नज़दीक है या पास में है। क्या 104 100 के बहुत करीब है या फिर 10 के बहुत करीब है? स्टूडेंट्स जल्दी बोलो कि 104 जो है वो 100 के सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आधार क्या हो जाएगा? आधार हम यहाँ लिखेंगे, आधार बराबर 100। अब आएगी उपआधार की बात, उप आधार हमारा क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आधार में जितनी भी जीरो है उन सबको हटा दो और जो संख्या बच जाती है वो हमारा क्या कहलाती है? उप आधार कहलाती है। कि आधार में कितनी जीरो है कि दो जीरो है, इन दोनों को हटा दो तो क्या बचेगा हमारा? एक। तो हमारा उप आधार क्या हो गया कि एक हो गया। यहाँ लिखेंगे विचलन, ये क्या आएगा हमारा विचलन, मतलब आधार से वो संख्या अधिक है या कम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 104 जो है वो 100 से ज़्यादा है या कम है? कि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा, मतलब +4। और 108 100 से कितना ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है, +8। ये हमारा क्या हो गया? विचलन हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हम 104 को लेंगे तो इसको छोड़ के इससे ऐड करना पड़ेगा। अगर 108 को लेंगे तो इस 8 को छोड़ेंगे और इस 4 के साथ इसका क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे। तो हम ले रहे हैं 104, तो अब क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे और इससे क्या करना है? प्लस करना है। क्यों? क्योंकि प्लस दे रहा है इसलिए हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये लिखेंगे उप आधार गुणा होगा अंक, इससे गुणा होगा 104 +8 से। यह निशान लगाएंगे अपन और आधार में कितनी जीरो है, आधार में कि दो जीरो है और दो संख्या ही यहाँ पर हमारी लिखी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं 112 और इधर से हमारा क्या हो गया ये 32 और ये हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि क्या है, ये 3 डिजिट का है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसको हम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपस के अंदर। तो लिखो 97, 98, 99, इन तीनों को क्या करना है आपस में? गुणा करना है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा? विचलन आएगा। आधार कितना लेंगे स्टूडेंट्स? आधार हम लेंगे कितना जल्दी बोलो? 100 लेंगे। क्यों लेंगे 100? क्योंकि 97, 98 और 99 100 के बहुत करीब है। और उप आधार क्या लेंगे? जितनी भी जीरो आधार में होती है उन सबको हटा के जो बचता है वो क्या कहलाता है हमारा? उप आधार कहलाता है। कितना हो गया हमारा उप आधार अंक? एक हो गया। विचलन कितना है? 100 से ज़्यादा है कम है? कम है। कितना कम है? -3। 98 ज़्यादा है कम है? कम है। कितना? -2। 99 100 से अधिक है कम है? कम है। कितना? -1। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जब हम दो संख्याओं को गुणा कर रहे थे आपस के अंदर तो यहाँ पे उप आधार अंक आ रहा था। अब यहाँ पे चूंकि 3 संख्याएं हो गई हैं, अब हमारा सूत्र अलग बनेगा। क्या बनेगा देख लो एक बार, उप आधार अंक का स्क्वायर। अंक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड भाई, ऐसे ही इसमें करना है। अगर 97 को ऊपर लेंगे तो इसके साथ इन दोनों को लेना पड़ेगा, 98 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको और इसको लेंगे, 99 लेंगे अगर तो इसको छोड़ेंगे और इन दोनों को
इसके साथ में मिला के लिखेंगे। तो अपन 97 को ले रहे हैं, तो 97 माइनस 2 माइनस 1 क्या करना है स्टूडेंट्स, या निशान लगाएंगे, उप आधार अंक का गुणा करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये ब्रेकेट में छोटा, 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 1 लेना पड़ेगा। निशान लगाएंगे अपन, अब इस तीन इन तीनों को क्या करेंगे अपन, आपस में गुणा करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये कितना बारह हो पाता रंग एक है, तो कितना हो गया एक का स्क्वायर, 97 से 2 गए 95, 95 से गया 94, आइए 94 उपाधा रंग कितना हमारा एक, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस के 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 94, ये कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 3 11, और ये क्या हो गया हमारा इधर माइनस 6। आधार में कितनी संख्याएं हैं, 2, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या दे रखी है अपन को, क्या करेंगे अपन इस माइनस को इसमें से घटा देंगे और इसको 100 में से माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा 94 11 माइनस 1 और 100 माइनस 6, हमारा आंसर हो जाएगा 94 10 94। अब आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, हमारी दो संख्या यहाँ पर आ गई, दो संख्या यहाँ पर आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया 94 10 94। समझ में आया स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।